उदाहरण दल गुड आफ्टरनून सर। चलिए गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे, चलिए स्क्रीन चालू कर लेता हूँ। कैन यू हियर मी प्रॉपरली, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए चलिए ओके। सो लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक्स देखे थे, राइट? बेसिक्स में हमने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, साइज ऑफ द आयन, राइट? एंड और क्या देखा था हमने, और कुछ प्रॉपर्टीज देख ली थी जो कि ट्यूब लॉक के एलिमेंट है और सबसे ग्रुप में जो सबसे ऊपर आते हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, राइट? जल्दी से मुझे कुछ पॉइंट फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं इसके। फर्स्ट पॉइंट क्या था इसका, साइज, राइट? फर्स्ट साइज पॉइंट था साइज, स्मॉल साइज होता है इनका, राइट? साइज स्मॉल होता है। और क्या होगा इसमें, इनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है। इसका रीजन क्या बताया था मैंने, बताएं क्या रीजन था मैक्सिमम कोवेलेंसी का 4 का? बताइए बेटा, रीजन नहीं बताया? नो डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। हाँ, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ये मैंने लास्ट क्लास में देखा था। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और क्या था इसमें, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, मोर आयनाइजेशन एनर्जी। हाई आयनाइजेशन एनर्जी कितनी थी, हाई थी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, फिफ्थ पॉइंट क्या देखा था हमने, डी ऑर्बिटल अब्सेंस है, मतलब कि इसमें सिर्फ पी पाई बॉन्ड बन सकते हैं, हियर पी पाई बॉन्ड फॉर्म, राइट? ये एलिमेंट आपस में पी पाई बॉन्ड बना पाएंगे, डीपाई पीपाई डीपाई बॉन्ड नहीं बन पाएंगे, क्यों? क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। चलो और क्या पॉइंट देखा था हमने, सिक्स पॉइंट क्या था बताएं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, राइट? और क्या था, बॉइलिंग पॉइंट लेस। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा। अच्छा मुझे और बताइए, ये जो इनका कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा या आयनिक कैरेक्टर? हाँ, ये हो सकते हो, दीज आर जनरली नॉन मेटल्स, दीज आर नॉन मेटल, वो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, और जैसे नीचे की ओर जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा, राइट? और यदि किसी एलिमेंट या फिर यदि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इसका मतलब ये होगा कि उसका बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, एग्री करते हो ना इस बात को? यस सर। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलिए, ये कुछ पॉइंट थे, अब हम चलते हैं आगे, चाहे तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे।
चलिए डन। यस सर। ओके फाइन। चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ। फिर से पहले अब हम चालू करने जा रहे हैं हमारा नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन फर्स्ट है, नाइट्रोजन फास्फोरस फटेगर एस्परिया सब बिंदा, और इसमें एक और एलिमेंट है एम राइट। तो आपको दिख रहा है प्रॉपरली, दिख पा रहा है कि नहीं आपको, क्लियरली दिख रहा है कि नहीं? यस सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। चलिए चलिए एमसी हो गए राइट। ये एलिमेंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारी चीजें इनकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जनरली एक्चुअली मैं क्लासेस वहीं से लेता हूँ, नासिक रोड से, वहां पे डिजिटल बोर्ड से लेता हूँ, लेकिन क्या होता है आज मीटिंग थी इसके कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। चलिए सो अब सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन आपको कहाँ मिलती है? एटमॉस्फेयर में मिलेगी। और कहीं मिल पाएगी क्या? नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया। नाइट्रेट हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या तो आपको एटमॉस्फेयर में मिलेगा या फिर अर्थ क्रस्ट में पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में मिलेगा। अरे अच्छा, इनके नाम क्या क्या है मुझे इनका नाम बताइए। चिली सॉल्पेटर एंड इंडियन सॉल्पेटर। ठीक है बिल्कुल सही। ये है एक्चुअली, ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये एनसीईआरटी का पार्ट है राइट। तो इसको बोलोगे आप चिल सॉल्ट सिट्रेट और इंडियन। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक तो नहीं है। चीले से सॉल्ट पिट्रे, चीले ना चीले एंड इंडियन सॉल्ट। एक्चुअली ये एनसीईआरटी का ही पार्ट है राइट। देखिएगा चलिए, आपको एटमॉस्फेयर से मिलेगा नाइट्रोजन या फिर इनसे मिलेगा राइट। बात करें फास्फोरस की, फास्फोरस आपको कहां से मिलेगा बताएं? फास्फोरस मिनरल्स में से या फिर एक एपेटाइट सेडिमेंट। हाँ देखो देखिए, एक एक्चुअली ये आपको कहां से मिलेगा, एक एपेटाइट फैमिली होती है, एक फैमिली। उसमें क्या होता है कैल्शियम के साथ फॉस्फेट होता है CA9 और PO4 6 राइट। ये होता है एक एपेटाइट फैमिली। इसके इसके फॉर्म में भी आपको मिलेगा राइट। ये होता है तो हाँ CAX2 भी लिखना पड़ेगा, CAX2। और यहाँ पर X क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है और क्लोरीन हो सकता है और OH हो सकता है राइट। ये होगी एपेटाइट फैमिली राइट। सो यहां से भी मिल सकता है, और कहां से मिलेगा आपको? पॉइंट नंबर टू, ये फास्फोरस एग में भी मिलेगा, एग मिल्क। हाँ और नाइट्रोजन भी आप एक और पॉइंट छोड़ गया हमने, ये प्लांट सॉरी प्रोटीन्स में भी होता है प्लांट में भी होता है
ठीक है, कि नाइट्रोजन की बात करी हमने, फॉस्फोरस की, या एग से, मिल्क से, या फिर थर्ड बोन्स, राइट, बोन्स पाउडर या फिर बोन्स में भी मिलेगा ये, ठीक है। चलो इसको यहां पे लिखो आप, राइट, ये तीनों जगह से हमको फॉस्फोरस मिल सकता है, डन? यस सर। चलिए अब बात करते हैं हम इनकी। अभी जो तीन एलिमेंट हैं, आर्सेनिक, बिस्मिथ एंड एंटीमनी, ये आपको सल्फाइड ऑर में मिलेंगे, राइट, ये सल्फाइड मिनरल्स के फॉर्म में होंगे, सल्फाइड मिनरल्स, मिनरल्स के फॉर्म में होंगे अर्थक्रस्ट में, अर्थक्रस्ट में, राइट, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड मिनरल्स। अच्छा, आपके इसमें मेटलर्जी हो गया क्या बेटा? मेटलर्जी? नो सर। नो सर, मेटलर्जी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। जब हम मेटलर्जी डिस्कस करेंगे तो उसमें ये सल्फाइड ओर्स देखेंगे हम, राइट, सल्फाइड ओर्स को किस तरीके से हम अलग करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, सारे स्टेप्स देखेंगे, राइट। तो ये आर्सेनिक, बिस्मिथ, सॉरी, एंटीमनी और बिस्मिथ, तीनों आपको कहाँ मिलेंगे? सल्फाइड ओर में मिलेंगे, सल्फाइड मिनरल्स के फॉर्म में मिलेंगे। ये लास्ट एलिमेंट जो है, ये लास्ट एलिमेंट है, ये हमने बनाया है इसको, राइट, मोस्कोवियम, इसका नाम क्या है? मोस्कोवियम। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन होते हैं? अनस्टेबल न्यूक्लियस। अच्छा, वो अनस्टेबल न्यूक्लियस क्यों होता होगा उनका? उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों रहता है? नहीं पता, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। देखिएगा, जो भी हेवियर एलिमेंट देखोगे आप, उसमें क्या है कि आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखो आप, यूरेनियम, यूरेनियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर तो 92 होता है, लेकिन एटॉमिक मास 235। अब देखिए, प्रोटॉन 92 है लेकिन मास बहुत ज्यादा है, मतलब कि उसके पास न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है। अब न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे तो वो ये तो ये चाहेंगे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल हो, या फिर वो उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो फिर वो जो भी एलिमेंट होगा वो थोड़े थोड़े रेज रेज इमिट करता रहेगा, एज लाइक अल्फा बीटा गामा रे, राइट, इस टाइप की रेज वो इमिट करता रहेगा, ठीक है। अब ये जो रेडियो के एलिमेंट होते हैं, इनका कुछ लाइफ पीरियड होता है, थोड़े दिन बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, राइट। सो हम इनको हाफ लाइफ पीरियड भी देखेंगे जब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री देखेंगे। इसमें अभी आप मोस्कोवियम को इतना देखो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 115। इसका एटॉमिक नंबर होता है और इसका लाइफ पीरियड बहुत कम होता है, इसका लाइफ पीरियड इज वेरी लेस, राइट। तो हम जो भी प्रॉपर्टी देखेंगे ये मोस्कोवियम की नहीं देखेंगे, राइट, हम सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। इसकी लाइफ पीरियड बहुत कम होती है, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है, आपको इतना ही याद रखना है इसमें। चलो, यहां तक क्लियर है क्या सभी को? यस सर। एक्चुअली ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, राइट, थ्योरेटिकल पार्ट को बस आपको थोड़ा समझना है, इसको लिखना है और रिवाइज करना है, क्योंकि हम इसको भूल सकते हैं, राइट, इसको भूल सकते हैं। सो आपको बस इसमें याद रखना है, जैसे मैं नाइट्रोजन की बात की, तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में मिलेगा आपको, राइट, और कहाँ मिल सकता है? चिले साल्पीटरे और इंडियन साल्पीटरे में, इनका नाम याद रख लेना। प्रोटीन्स और प्लांट्स में भी मिलेगा नाइट्रोजन,
बात करें फास्फोरस की तो वो एपेटाइट फैमिली में मिलेगा, जिसमें एपेटाइट फैमिली का फॉर्मूला होता है मेन ये होता है CaCa9PO46 राइट CaX2 एक्स हो सकता है फ्लोरीन क्लोरीन OH। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पर एक फ्लोरीन होगा तो क्या नाम होगा इसका? फ्लोरोएपेटाइट। हाँ फ्लोरोएपेटाइट राइट, और क्लोरीन होगा तो क्लोरोएपेटाइट। ठीक है चलो आगे चलते हैं। ये हमको एग्स में मिलेगा, मिल्क में मिलेगा, और बोन्स के पाउडर में भी आपको फॉस्फोरस मिल सकता है। चल मुझे बताइए फॉस्फोरस जो होता है वो वाटर से रिएक्ट करता है कि नहीं करता है? करता है पता है? आपने मेटल नॉन मेटल डिस्कस किया कि नहीं अभी तक? आपने उसमें देखा होगा कि फास्फोरस फास्फोरस वाटर से रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए इसको हम स्टोर कहां करते हैं? वाटर में। फास्फोरस केप्ट इन वाटर या स्टोर इन वाटर लिखो आप, फास्फोरस स्टोर इन वाटर। फास्फोरस को हम पानी में रखेंगे, ठीक है, वो स्टोर करेंगे क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करेगा। चलो यहां तक क्लियर है क्या? आगे चले आप। आई होप सभी ने कॉपी भी कर लिया होगा। यस सर। चलिए ओके आगे अब हम चलते हैं आगे। अब हर एक पॉइंट देखना आपको राइट, और हमारा एक हर एक्चुअली एनसीईआरटी का पूरा हर पॉइंट कवर होना चाहिए राइट, और हम सारा कवर करके चलेंगे ठीक है। अब देखते हैं हम, सबसे पहले इनका ये देखा जाएगा इनका कॉन्फिगरेशन क्या होगा। जो एलिमेंट है नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बिंदा एम आपको यूं भी लिख दो आप। चलो इनका जनरल कॉन्फिगरेशन क्या होगा, जनरल कॉन्फिगरेशन क्या होगा मुझे बताएं जल्दी। आपको सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना आता है NH2 NP2 NP3। बिल्कुल सही बिल्कुल सही, आयुष ने बिल्कुल सही बताया राइट, कि आपको जब भी इनका कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो यहां पर N क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ शेल। सो ये नाइट्रोजन कौन सी सेल में होता है? सेकेंड सेल में होता है। फॉस्फोरस थर्ड सेल में होता है। आर्सेनिक फोर्थ, एसबी फिफ्थ, बिस्मिथ सिक्स, और ये सेवन सेल में होंगे ठीक है। तो ये एन क्या होगा, नंबर ऑफ सेल होगा ठीक है। अब एस उसमें टू आएगा, अब यहां पर आएगा एनपी, एनपी कितना होगा, थ्री होगा, एनपी थ्री होगा क्योंकि वो क्योंकि क्या कहां पर है वो 13 ग्रुप में ठीक है, नहीं 13 नहीं 15 ग्रुप में ठीक है। चलिए अब हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, ये सेकंड सेकंड सेल में है या फिर सेकंड पीरियड में है, तो 2s2 2p3 राइट। नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस की बात करें तो क्या होगा, जब आप चाहे तो 1s2 भी लिख सकते हो। फॉस्फोरस का क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 देन ये जो पार्ट है ये क्या है, ये एक नियोन का कॉन्फिगरेशन है। ये किसका कॉन्फिगरेशन है, नियोन का। इसके बाद क्या लिखोगे आप, 3s2 3p3। चलो आर्सेनिक की बात कर रहे हैं,
बेटा म्यूट कीजिए, हर्षल म्यूट कर, म्यूट कीजिएगा बेटा। चलो इसके बाद में आर्गन और क्या लिखोगे आप, 4s2 3p 4p3, ठीक है। फिर बात करें हम आर्सेनिक के बाद एसबी की, तो एक नोबल गैस कौन सी ले आएगी यहाँ पर, क्रिप्टोन, और यह होगा 5s2 5p3। चलो यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या, इनका जनरल कॉन्फिगरेशन? यस सर। सो अब आपको यहाँ पर मुझे एक और बात बतानी है कि यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है उसकी वैल्यू क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके वैल्यू क्या होगी, लास्ट इलेक्ट्रॉन जब इंटर करेगा तो उसके एल की वैल्यू क्या होगी, आप भूल गए क्या? देखो हमने देखा था एल यदि जीरो होता है तो एस, हाँ बिल्कुल सही, वन, एल इज इक्वल टू वन होगा तो पी, तो यहाँ पर पी आएगा, राइट, तो वेरी गुड, प्रिया का बिल्कुल सही आंसर है, वन है, ठीक है। सो यहाँ पर जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट है उनमें एल की वैल्यू वन होगी, उनके जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उनमें एल की वैल्यू वन होगी। चलिए यहाँ तक शायद सभी को क्लियर है, इसको नोट कीजिए, हम आगे चलते हैं फिर।